Hello, my name is Dr. Harsh Kapoor. I am senior consultant and chairman of gastroenterology, hepatology and biliary sciences department at Pan Metro Group of Hospitals. आज इस डिस्कशन में हम मानसून से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां पैदा होती हैं उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। जो जो बारिश का सीज़न आता है, टाइफॉइड, मलेरिया, लेप्टोस्पिरियोसिस, टाइफॉइड, कॉलरा और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां पनपती हैं, लेकिन सबसे कॉमन बीमारी एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो कि बैक्टीरियल कीटाणु की वजह से होती है, बहुत कॉमन है और 80-90% पेशेंट्स में ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। जो बाकी के 10-20% पेशेंट्स हैं, जबकि डायरिया, नॉजिया, वॉमिटिंग 48 आवर्स से ज़्यादा हो जाते हैं, इनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। पहले केस में जहां हम सिर्फ आईवी फ्लूइड, दर्द की दवाइयां, स्टूल को स्टॉप करने की दवाइयां या नॉजिया वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट करते हैं, वहीं जब ये 48 आवर्स से ज़्यादा देर तक सिम्टम्स रहते हैं, हम आईवी एंटीबायोटिक्स भी देते हैं जिससे कि ये कीटाणु मर सकें और इनके टॉक्सिन्स का प्रभाव ख़त्म हो सके। ये बीमारियां वैसे तो बहुत कॉमन हैं, बाहर कुछ खाने से, अनरेफ्रिजरेटेड फूड खाने से होती हैं, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स में ये काफ़ी सीरियस हो जाती हैं जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन लंबा होता है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस सीज़न में खाने पीने का ध्यान रखिए और बीमार होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क कीजिए। थैंक यू।